नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड 24। आखिरकार काफ़ी माथापच्ची के बाद तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बर्धमान जिला यूथ और ब्लॉक कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। पुरानों चेहरों पर ही एक पार्टी ने एतमाद जाहिर की। मंत्री और मेयर के करीब रहने वाले लोग कमेटी में जगह बनाने में कामयाब हुए। आइए तफसील रिपोर्ट देखते हैं। আপনারা সকলেই জানেন যে ইতিমধ্যে জেলার চেয়ারম্যান হিসাবে মলয় ঘটক, প্রেসিডেন্ট জিতেন্দ্র কুমার তেওয়ারি, দুই কোঅর্ডিনেটর হরিনাম সিং এবং বিধায়ক বিশ্বনাথ পারিয়া, এছাড়া দুর্গাপুর টাউনের কনভেনার হিসাবে ধর্মেন্দ্র যাদব এবং আসানসোল টাউনের কনভেনার হিসাবে বি সিদ্ধাস, এছাড়াও পাঁচজন স্পেশাল ইনভাইটি আছে, পার্মানেন্ট ইনভাইটি, যারা হচ্ছে তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বিধায়ক, উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় বিধায়ক, বিধান উপাধ্যায় বিধায়ক, দিলীপ অগস্তি দুর্গাপুরের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র এবং সুভদ্রা বাউরি আমাদের জেলা পরিষদের সভাধিপতি। এছাড়াও যে সমস্ত কমিটি হয়েছে, জেলা কমিটি হচ্ছে আমাদের 95 জনে, এবং এছাড়াও যেগুলো ব্লক প্রেসিডেন্ট, সেই ব্লক প্রেসিডেন্টগুলো আমি করে সরিয়ে দিচ্ছি। আকসার থেকে আকসা ব্লকের প্রেসিডেন্ট হচ্ছে দেবদাস বক্সি, দুর্গাপুর ওয়ান প্রেসিডেন্ট হচ্ছে রাজীব ঘোষ, দুর্গাপুর টু প্রেসিডেন্ট হচ্ছে উজ্জ্বল মুখার্জি, দুর্গাপুর থ্রি প্রেসিডেন্ট হচ্ছে শিপুল সাহা, বারামুলি ব্লকের প্রেসিডেন্ট হচ্ছে অসিত সিং, সালামপুরের প্রেসিডেন্ট হচ্ছে আরমান খান, চিত্তরঞ্জন ব্লকের প্রেসিডেন্ট হচ্ছে তাপস ব্যানার্জি, উল্টি ব্লকের প্রেসিডেন্ট হচ্ছে বিবার আচার্য, দুর্গাপুর হরিদপুর ব্লকের পরিচালক সুজিত মুখার্জি, পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মন্ডল ব্লকের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন কালবরণ মন্ডল, রানীগঞ্জ টাউনে প্রেসিডেন্ট কাঞ্চন তিওয়ারি এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে জ্যোতি সিং, জামুড়িয়া 1 নম্বর ব্লকের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন সাধন রায়, জামুড়িয়া 2 নম্বর ব্লকের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন সুকুমার ভট্টাচার্য, আসানসোল রুরাল মানে আসানসোল দক্ষিণে যে দুটো ব্লক আছে তার মধ্যে গ্রামীণ ব্লকে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন দেবনারায়ণ দাস, আসানসোল সাউথের হীরাপুর ব্লকে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন লক্ষ্মণ ঠাকুর, আসানসোল নর্থ 1 নম্বর ব্লকে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন গুরুদাস চ্যাটার্জি এবং আসানসোল নর্থে 2 নম্বর ব্লকে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন উৎপল সেন। कांग्रेस के एमपी अधिरंजन चौधरी को मगरबी बंगाल का सदर नामजद करने के बाद कांग्रेस आई ने जमकर आसनसोल में और जश्न मनाया और एक दूसरे पर रंग का बिखराव किया। हमेशा ही आम जनता के साथ रहा है, लेकिन आज सबसे ज्यादा बड़ा इस बात का खुशी हम लोगों के लिए है, कल हमारे प्रदेश के अध्यक्ष का घोषणा किया है उदित चौधरी के नाम, जो बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। सिर्फ बंगाल के राजनीति में नहीं बल्कि उनके इतिहास है कि जब जब भी वो काम करते हैं आम जनता के लिए तो बड़ा फ्रांक दिली के साथ, बड़ा बिला खौफ, बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला करते हैं। आज पश्चिम बंगाल के जो हालात है उस हालात को देखते हुए आज हमारे कांग्रेस सोनिया गांधी ने जो फैसला लिया है और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उदित चौधरी को जो बनाया है, इससे हम तमाम यूथ कांग्रेस के साथ साथ हम तमाम कांग्रेसी को एक ऊर्जा मिला है, एक ऐसा लीडर मिला है जो ममता बनर्जी को और दिलीप घोष को उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लायक है, क्योंकि आज के डेट में जो आदमी बदतमीजी कर रहा है लोग उसको लीडर मानते हैं, लेकिन उदित चौधरी आम जनता के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे और वो मुर्शिदाबाद में दिखा चुके हैं कि उदित चौधरी को कोई वहाँ से हिला नहीं पाया, और हमें उम्मीद है कि आने वाला जो चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल के अंदर में कांग्रेस एक अच्छा रिजल्ट करेगी और आने वाला दिन में या तो हम सत्ता बनाएंगे या तो फिर हम ब्लैक होल बनेंगे, मेरा भी का बंगाल अधूरा रहेगा और हम लोग को खुद ही इस बात का एक लड़ाकू लीडर उदित चौधरी के नाम से पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है और जो हिंदुस्तान के अपोजिशन लीडर भी है, हम लोग तमाम यूथ कांग्रेस के तमाम नौजवान साथी उदित चौधरी का बनने पर आज खुशियों का साथ साथ हम लोग अंदर से बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं कि हमारे एक स्टील लीडर सामने आया है, यही लिए आज हम लोग यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं। अरे चौधरी